हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दाव श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत जितने भी वेटरनरी कॉलेज हैं पॉलिटेक्निक के, उसके अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी आई है। और इसके लिए जो वैकेंसी है ये टीचर के लिए गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो चलिए, हमने यहाँ पर जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के पेज पर आएंगे आपको ये नोटिस देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया है और पूरा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग की यूनिवर्सिटी जो है वेटरनरी पॉलिटेक्निक के जितने भी कॉलेजेस आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, जगदलपुर है, सूरजपुर है, राजनांदगांव है, महासमुंद है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती गेस्ट लेक्चरर के लिए सीधे डायरेक्टेड इंटरव्यू के माध्यम से जो जानकारी है यहाँ पे वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है दोस्तों। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो नियम शर्तें हैं वो लिखी हुई है। और यहाँ पर से आप इंटरव्यू का डेट देख सकते हैं 23 नवंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 11 बजे यहाँ पे उपस्थित होना है वेटरनरी डिपार्टमेंट पे, जो वेटरनरी आपके पॉलिटेक्निक श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के दुर्ग की यूनिवर्सिटी है ये। और यहाँ पर अंजोरा में ये स्थित है दोस्तों, आप लोग जाएंगे राजनांदगांव वाले मार्ग पे तो ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, पुलगांव चौक से आप लोगों को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक सेट कॉपी लेके जाना है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको। और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को एप्लीकेशन करना है और डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी बताई गई है किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के सिलेक्शन होंगे उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी कैंडिडेट लोगों के लिए बना दी गई है। फर्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाइड होंगे और PhD होंगे, एज प्रूफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 10th+12th का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे वेटरनरी में, वेटरनरी साइंस में और AH एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री और सर्टिफिकेट मांगा गया है। देन उसके बाद MSc वेटरनरी साइंस में मांगा गया है सर्टिफिकेट, वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी LMP, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी गाइकोनोलॉजी। तो यहाँ पे देखेंगे गाइनोलॉजी और नेट PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट। और उसी तरीके से अवार्ड अगर है आपके पास, पब्लिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, कहीं वर्क किए हैं, NSS है या NCCA है, और वेटरनरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास है। तो आपकी सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी है 1600 यहाँ पे पर डे होने वाली है और अधिकतम 50,000 वन मंथ में हो सकती है। सेकंड कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप विदाउट नेट हैं या PhD आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये देख सकते हैं एज प्रूफ सर्टिफिकेट लगेगा, सारा कुछ वही ही रहने वाला है, बस यहाँ पे सैलरी आपकी कम हो जाएगी, देख सकते हैं 1300 हो जाएगी पर डे। और उसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो विदाउट मास्टर डिग्रीज हैं, उनमें यहाँ पे 10+2 का मार्कशीट सर्टिफिकेट और वेटरनरी में यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है साइंस में या एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री ओनली है। और उसके बाद यहाँ पे अवार्ड है या फिर पब्लिकेशन है, एक्सपीरियंस है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं आपके इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे, या NSS की डिग्री है आपके पास, या NSS या NCC का प्रमाण पत्र है, तो ये सारा जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आपकी सैलरी 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बनने वाली है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन करना है, देखिए अभ्यर्थियों को अंशकालीन शिक्षक हेतु अपना आवेदन, समन्वयक वेटरनरी पॉलिटेक्निक को साक्षात्कार हेतु यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करना है, जो वेटरनरी एनाटॉमी से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, या वेटरनरी मेडिसिन में जिन्होंने मास्टर डिग्री ली है, PhD की है, तो वेटरनरी गायनेकोलॉजी में, या पशु उत्पादन या प्रबंधन में जिन्होंने
पीजी डिग्री ले रखी है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है, उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये देख सकते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको पहले प्राथमिकता होगी, देन सेकंड यानी कि जो पीएचडी किए हैं, जो गेट नेट और गेट क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन सेकंड कैटेगरी में नॉन गेट वाले, नॉन आपके नेट वाले और पीएचडी वाले, देन थर्ड कैटेगरी में नॉन मास्टर डिग्री वाले को प्रेफरेंस देते हुए आप लोगों को यहाँ पे मेरिट सूची बनेगी और आप लोगों को प्रेफरेंस देते हुए ही सिलेक्शन होगा। और उम्मीदवार को कोई भत्ता नहीं मिलेगा यहाँ पर अगर वो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और 15 दिन के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग यहाँ पे देनी है। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो देख सकते हैं अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय जिला सर्जन से यहाँ पे शारीरिक प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ कार्ड, क्योंकि आप इस, और ये नियमित नहीं है ये टीचर वैकेंसी। वैसे तो टीचर के किन किन पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट हैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ये वहाँ पर जाने से ही पता चलेगा दोस्तों आप लोगों को 23 तारीख को जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। बट अभी आप लोग समझ सकते हैं ये ओनली जो है आपके पॉलिटेक्निक वेटरनरी कॉलेज के लिए गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी है। देख सकते हैं जगदलपुर है, सूरजपुर है, राजनांदगांव, महासमुंद, इतने सारे जिलों में ये वैकेंसी है। और नीचे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट, और ये बड़े इजीली तरीके से इसको भर सकते हैं। ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का नंबर जो सबसे ऊपर में लिखा रहता है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, और डेट और फुल नेम यहाँ पे ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल में लिखना है, देन ईमेल आईडी, देन यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर जिस पे आप चलाते हो, और उसके बाद यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम, देन एड्रेस आपका परमानेंट और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, और उसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेना है और 23/11/2021 के अंतर्गत, और नेशनल यहाँ पे नेशनलिटी भरनी नहीं है, देन आधार कार्ड भर लेना है, जो आपके सर्टिफिकेट होंगे 10th के उसके अकॉर्डिंग मदर टंग आपको भर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख लेना है हायर सेकेंडरी का, 10th 12th का यहाँ पर देख लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 12th का लिख लेंगे, देन यहाँ पे ग्रेजुएशन का लिख लेंगे बैचलर ऑफ इन वेटरनरी साइंस का, देन एमएससी मास्टर डिग्री वेटरनरी साइंस में पीएचडी है या फिर कोई और डिग्री आपने ले रखी है तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, देन सब्जेक्ट है यहाँ, डिवीजन, पासिंग ईयर, परसेंटेज, और यहाँ पे एनक्लोज नंबर, आपका सर्टिफिकेट, डिग्री और मार्कशीट के ट्रांसक्रिप्ट। देन यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा, या फिर गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप यूजी पीजी या पीएचडी लेवल पे वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। एकेडमिक अवार्ड यहाँ पे अगर आपको कोई मिला है तो वो भर सकते हैं। रिसर्च फेलोशिप अगर आपने कहीं से ऑप्टेन की है तो वो भर सकते हैं। देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं ये पब्लिकेशन का विवरण देखना है, फर्स्ट ऑथर रहे हैं आप किसी जनरल में देख सकते हैं, या को ऑथर, या फिर एनक्लोजर पे आप नंबर यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखना है, देन उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है अगर आपका कोई पब्लिकेशन है तो, देन यहाँ पे आप लोगों के अगर एक्सपीरियंस कहीं से ले रखा है आपने कभी टीचिंग की हो तो उसको डाल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं जो इवेंट हैं या फिर कोई डेट या ऑर्गेनाइजर, तो ये सारा कुछ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं यहाँ पे, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन या रिमार्क करके लिखा है तो वो देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन को आप लोग प्रिंट करा लीजिए दोस्तों, और अभी टाइम है आप लोग इजली भर लीजिए इसको सोच समझ के, वीडियो देखकर अगर कुछ ना समझ आए तो, और उसके बाद फिर आप लोग इसको डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती है तो आपको यहाँ पर चले जाना है, और जितने भी पोस्ट होंगे, जितने भी यहाँ पे आपके महासमुंद है, जगदलपुर है, यहाँ पे राजनांदगांव है, सूरजपुर है, तो यहाँ पे वैकेंसी आई है तो इसके ही जितने भी गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी होगी उसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहे नेक्स्ट रोजगार के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहे नेक्स्ट रोजगार के साथ। जय हिंद।